फ्रेंड्स, मैं आम सूर्या और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। मैं बात करना चाहता हूं आपसे जीरो के बारे में। एक अच्छा खासा आर्टिकल बीटी में दिया है। वैसे उसके बाजू में है दीपिका रणवीर की शादी हुई है कल। बहुत बहुत शुक्रिया बॉलीवुड क्रेजीज की टीम की तरफ से। ये खुश रहे, आबाद रहे, हमेशा हंसते खेलते रहे और एंजॉय करते रहे अपनी लाइफ। कल लेक कोमो में इनकी शादी हुई और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा धूमधड़ाका हुआ। कई लोगों ने कहा, सूर्या तुझे दुनिया की कुछ खबर नहीं है, तूने इसके बारे में एक भी खबर नहीं बताई। अरे मैं क्या बताऊं, उधर कोई एक न्यूज एजेंसी वाला लेक कोमो में से विजुअल जूम इन करके ले रहा है उनकी शादी का बैकग्राउंड में। अबे अलाउड नहीं किया मीडिया को, तो क्यों जाते हो? क्या खबर बताओ? आपको लोगों ने मोबाइल फोन अलाउ नहीं किया था, गेस्ट को 40 गेस्ट सिर्फ आए थे। एक कोंकणी रीति रिवाज से कहीं ना कहीं शादी हुई। क्या बताओ आप लोगों, क्या जानना है? यह सब पता है, मैं इसके बारे में सोचा बनाऊंगा अच्छे से, मैं भी दिल कर था बनाने का, लेकिन मैं जब तस्वीर नहीं है तो क्या बताओ। कई सारे चैनल्स, कई सारे वेबसाइट्स फेक तस्वीर डाल रहे। हमारे पास है पहली तस्वीर दीपिका और रणवीर की शादी के बाद की पहली तस्वीर हमारे पास। अरे शादी के बाद कौन सा चेंज हो जाएंगे, वही दीपिका है वही रणवीर है यार। तो ये सब मुझे नहीं पसंद था, इसलिए मैंने इसके बारे में नहीं बताया। चलिए बात करते हैं, ज्यादा वक्त ले लिया ना। 2.0 के बारे में, 2.0 के बारे में एक अच्छा खासा आर्टिकल है। यहाँ पे टाइटल ही देख सकते हैं आप, 2.0 प्रॉमिसेस टू बी ए विजुअल ट्रेड विद वर्ल्ड क्लास VFX। वर्ल्ड क्लास VFX के बारे में बात की गई है कि फिल्म में क्या क्या हो सकता है अनोखा। वैसे कुछ चीजें जो मुझे पता थी मैं जानता था, लेकिन कुछ चीजें नहीं मुझे पढ़ के पता चली है। सबसे पहली चीज जो पता चली है कि 2.0 में 80% जो शूट किया गया है वो 3D कैमरा से शूट किया गया, अदरवाइज मुझे 100% लगा था। बट दिस इज ए सर्टेनली गुड आई थिंक नॉलेज है ना, अच्छी चीज है। उसके बाद में कुछ और चीजें बताई गई बहुत अच्छे से, जिससे कि बताया गया कि 20 VFX स्टूडियो यूज हुए हैं यहाँ पे, देख सकते हैं ना। उसके बाद बताया गया है 5 एनिमेशन स्टूडियोज यूज किए, 3400 VFX शॉर्ट्स यूज किए गए, 1000 VFX आर्टिस्ट यूज किए गए हैं। इसके अलावा 4 मैसिव सेट्स ऑन ए सिटी जंक्शन द टीम इंक्लूडेड, 4 मैसिव सेट्स बनाए गए हैं साउथ इंडिया में। 100 बिल्डर्स को बुलाया गया, 250 कारपेंटर को बुलाया गया, 50 पेंटर को बुलाया गया, 25 मोल्डर्स को बुलाया गया, 10 कंसेप्ट डिजाइनर को बुलाया गया, 15 3D डिजाइनर को बुलाया गया, 5 आर्ट डायरेक्टर्स को बुलाया गया। और ये जो लुक है, ये सब लुक ही देख सकते, इतना कमाल का है। एक्शन रजनीकांत, दे आर गोइंग टू नेल दिस फिल्म सर्टेनली, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग मोस्ट अवेटेड इंडियन रिलीज। और इस फिल्म को एक साउथ फिल्म या हिंदी फिल्म समझने की गलती मत करो। दिस इज व्हाट आई कॉल एन इंटरनेशनल सिनेमा एट इट बेस्ट। आई सपोर्ट दिस फिल्म फ्रॉम होल हार्ट बिकॉज दिस फिल्म डिजर्व्स एवरी बिट ऑफ इट। जो थिंकिंग इतनी बड़ी कर सकता है, जो इतनी बड़ी थिंकिंग को सोचो, ऐसी कोई सोच भी नहीं सकता। वैसी फिल्म अगर बना के आपको सामने कोई दे रहा है, तो आपको उस इंसान के, उस डायरेक्टर की बहुत इज्जत और सैल्यूट करना चाहिए और हर तरीके से उसे सपोर्ट करना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई आई एम सपोर्टिंग दिस फिल्म। और इसके डायरेक्टर्स तो सभी को पता है, इसमें एक्शन डायरेक्टर्स भी वर्ल्ड रिनाउंड है, जैसे केनी बेट्स है जिन्होंने ट्रांसफॉर्मर्स और द ग्लेडिएटर जैसी फिल्म, ट्रांसफॉर्मर जैसी फिल्मों में अपना एक्शन दिया था, और उसका निक पोवाल है जिन्होंने ग्लेडिएटर जैसी फिल्म में अपना एक्शन सीक्वेंस फिल्माया था। उसके बाद स्टीव ग्रिफिन है, और उसके बाद इंडियन स्टंट डायरेक्टर है सिल्वा। यानी 4 स्टंट डायरेक्टर एक फिल्म में, भैया और क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे? तो इस फिल्म में हर चीज है, VFX वगैरह सबसे बेस्ट देने की कोशिश की गई है। बहुत सारे शॉर्ट्स ऐसे था जैसे VFX है, उसको पूरा का एक क्रिएट किया गया है स्टोरी बोर्ड में, जैसे कि इसके बाद ये सीन होगा, इसका ये सीन होगा, उसके बाद उसको एनिमेटेड किया गया है, उसके बाद उसको असली सीन में पिरोया गया है कि हाँ ये एक्चुअली सीन होंगे। तो बहुत सारी चीजें की गई इस फिल्म में जो बहुत ही अच्छी होने वाली है। 29 नवंबर को आपको एक ऐसी फिल्म दिखेगी जो विजुअली आपको स्टन कर देगी, यानी कि शॉक कर देगी, और ये शंकर ही कर सकते हो। इस फिल्म को कभी भी कम आंख की कोशिश मत कर। कई लोग बोल रहे हैं फेल हो जाएगी, हिंदी में नहीं चलेगी, ऐसा नहीं भाई। मेरा जहां तक मानना है, एवरी इंडियन विल लाइक दिस फिल्म, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, तो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए फिर इतना ही।